आप लोगों ने साइंस वन का थर्ड चैप्टर पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब वो पढ़ने के बाद आपने उसमें वीडियो भी देखा, ऑनलाइन भी पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, और ज़्यादा कन्फर्म करने के लिए हमें इसके स्वाध्याय से होकर के जाना होगा। तो इसमें आप पहले क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। ये खाली स्थान है, दिए गए उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अभी यहाँ पर्याय आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन दिया गया है पर्याय क्या है, ऑक्सीकरण, विघटन, विस्थापन, विद्युत अपघटन, अपचयन, जस्ता, तांबा, युग्म विस्थापन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक एक करके देखते जाइए। लोहे के पतरे पर जंग न लगे इसलिए उस पर इस धातु का लेप लगाया जाता है। अब कौन सा धातु है, ऊपर आपने देखा था, वो धातु है जस्ता, ठीक है। ध्यान देना, लोहे के पतरे पर जंग न लगने के लिए जस्ते का लेप लगाया जाता है। और ध्यान दीजिए, जस्ते को लेप लगाने को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, वर्ड याद रखना है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, अम्लयुक्त पानी में फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में रूपांतरण होने के लिए, आप जरा देखना मैं यहाँ पर लिखता हूँ तब समझ में आएगा आपको। फेरस सल्फेट ये है FeSO4 इक्वल टू Fe2 और SO4 थ्राइस। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में रूपांतरण होने के लिए कौन सी क्रिया होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, इसमें फेरस सल्फेट का रूपांतरण फेरिक में हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन ऐड होने को अब आप परिभाषा जुड़े होंगे, ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन निकलती है, उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें आपका ऑक्सीकरण होगा। अब प्रश्न नंबर सी है, क्या अम्लयुक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का होता है, पानी का क्या होता है, पानी का विद्युतीकरण होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन। यहाँ पर क्या करेंगे, पानी का विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन लिख लेना, मैंने बोल दिया है। प्रश्न नंबर 4 है ई, अब प्रश्न नंबर इसमें ज़्यादा ध्यान देखिएगा, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो वो कैसी अभिक्रिया है। अब इसका समीकरण आपको दिया जाएगा, इसका जो Ba है, बेरियम जाएगा जिंक की जगह पर और जिंक आएगा बेरियम जगह पर, माने यहाँ आयनों की अदला बदली हो रही है, ठीक ना। तो आयनों की अदला बदली से जब नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं युग्म विस्थापन, क्या बोलते हैं, युग्म विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंसर सुनना है और सुनकर कंफर्म करना है, ध्यान दीजिए। पहला है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इसका उत्तर एक शब्द में, जब एक ही साथ ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है, ऐसी क्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे फिर बोलता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो ये देख रहे, उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लीजिए, ये है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू क्या बनता है, H2O। अब ध्यान देना, यहाँ CuO जो है ना, ये CuO, यह इसमें से आपका जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक मिनट,
प्लस यहाँ सी यू है, मैं भूल गया। हाँ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन निकलने क्या बोलते हैं, अवकरण। रिडक्शन मतलब यहाँ पर अवकरण हो रहा, अपचयन हो रहा है। और दूसरे में साथ साथ देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, यहाँ हो रहा ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, रिडॉक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, अब क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे, एक मिनट कहाँ गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ा सकते हैं। जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन करवाना हो और अभिक्रिया को बढ़ाना हो इसमें, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें मिलाना पड़ेगा क्या, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होता है, इसमें उत्प्रेरक मिलाने के लिए अगर देखिए MnO2, एक मिनट, अगर MnO2 इसमें अभिकार, इसमें उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करें तो हम इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, जरा वो देख लीजिए। अभी यह है 2H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका हम अपघटन करेंगे तो ये बनेगा 2H2O प्लस O2। ये अभिक्रिया बड़ी मंद गति से होती है, तो अगर हम उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर MnO2 लगा दें तो ये अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसका आंसर आप एक शब्द में बोल सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम आएंगे अगले में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संदर्भ लेकर के अभिक्रिया के कौन से प्रकार हो सकते हैं, यह उदाहरण सहित आप समझाइए, ठीक है ना। अब इसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया को करवानी बड़ी सिंपल सी है, हाइड्रोजन गैस ले लो H2O प्लस O2 ले लो, यह आपस में मिल जाएगा, क्या बनेगा 2H2O, बाद में संतुलित कर देना। अब ये हो गया अभिक्रिया, इसे कहते हैं, देखो ये अभिकारी पदार्थ दो है और उत्पाद एक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थों के मिलने से एक उत्पाद बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोग अभिक्रिया। तो ये हो गया संयोग अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना और कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में घुलना, इन दोनों घटनाओं में समानता और अंतर स्पष्ट करो। आप देखिए ये प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर अभी पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में घुलता है, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब पानी में घुलेगा ये H2O में, तो इसका होता है आयनीकरण होता है, सोडियम प्लस और OH माइनस ये हो जाता है। तो अभी इसमें क्या अंतर है, यह आयनीकरण होता है, इसमें रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड वाटर, रिएक्शन बिटवीन CaO, ये आयनीकरण है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर डालेंगे पानी में तो यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, तो यह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है, ठीक है, पहले में आयनीकरण, दूसरे में ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, ये परिभाषा दी गई है, पहला है ऊष्माग्राही अभिक्रिया, ठीक है ना। अब ऊष्माग्राही में क्या है, ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे हम ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा संयोग अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम कहते हैं संयोग अभिक्रिया। अगला है संतुलित समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, परिभाषा लिखनी है,
ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील आयनों के द्वारा कम अभिक्रियाशील आयनों को विस्थापित कर दिया जाता है उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम आगे प्रश्न नंबर चार में आपको यहाँ देखने के लिए कई प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, चूने के पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस को ताज़ा चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब इसमें होता क्या, सुन लो। इस अभिक्रिया में जब चूने के पानी में जो गैस प्रवाहित की जाती है वो गैस दूधिया हो जाता है। अब एक बात और देख लीजिए, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब दूधिया होता है। इसका मतलब जो गैस आप प्रवाहित कर रहे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब चूने के पत्थर को गर्म करने पर कौन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अगला प्रश्न, शाहाबादी फर्श के टुकड़े टाइल्स है, मार्बल होता है, एसीएल डालने पर जल्दी अदृश्य नहीं होते किंतु फर्श का चूर्ण जल्दी अदृश्य हो जाता है। शाहाबादी फर्श के टुकड़े पर एसीएल डालने पर वो जल्दी अदृश्य नहीं होते, कौन, शाहाबादी फर्श, लेकिन अगर हम फर्श पर डालें तो ये जल्दी अदृश्य हो जाता है, क्यों। देखो, अब शाहाबादी फर्श जो है इसके पार्टिकल्स, इसके कण बड़े होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, शाहाबादी फर्श के जो कण होते हैं बड़े होते हैं, इसलिए वह वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर मंद होती है, जबकि फर्श पर डालते हैं तो उसके कण छोटे होते हैं इसलिए अभिक्रिया की दर वहाँ जल्दी हो जाती है, अदृश्य हो जाते हैं। अब प्रश्न फिर सुन लो, आपने पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, तो आप उसमें कणों का आकार पढ़े हैं। जब अभिकारी पदार्थों के कणों का आकार बड़ा होता है तो अभिक्रिया की दर मंद होती है, और जब अभिकारी पदार्थों कणों का आकार छोटा होता है तो अभिक्रिया की दर तीव्र होती है। तो ऐसे शाहाबादी फर्श के टुकड़े कि कण जो हैं आकार में बड़े होते हैं इसलिए वहाँ पर अभिक्रिया मंद गति से होती है, वो काफ़ी देर में अदृश्य होते हैं, लेकिन जो टाइल्स होती, फर्श होती है उसके कण बारीक होते हैं, और बारीक कण होने के कारण अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है और वो जल्दी से अदृश्य हो जाते हैं। समझ में आया। अगला, प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तन अम्ल बनाते समय पानी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गति धीमी गति से डालते हुए कांच की छड़ से मिलाते जाते हैं। अब इसको आप समझिए जरा ध्यान से। अब प्रश्न क्या है, जब प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु अम्ल बनाते हैं तो उस समय में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे गति डालते हुए कांच की छड़ से निकालते हैं। अब इसका रीजन ये है, जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम पानी में मिला करके तनु बनाते हैं तो इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वहाँ पर खतरनाक विस्फोट भी हो सकता है, इसीलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालते हैं और उसको धीरे धीरे हम हिलाते भी रहते हैं ताकि ऊष्मा की मात्रा अत्यधिक उत्पन्न न हो और वहाँ पर विस्फोट जैसी कोई भी बात ना हो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला देखिए, खाद्य तेलों को अधिक समय संग्रहित करने के लिए हवा बंद डिब्बे का उपयोग करना उचित होता है। अब आपने पढ़ा होगा बदबू, जब खाद्य तेलों को टिन के डिब्बे में अधिक लंबे समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तेल खाने के अयोग्य हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, झागदार हो जाता है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें खाद्य तेलों को हवा बंद डिब्बे में, जार में भरकर रखना पड़ता है। ठीक है, आइए अब जरा ये क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण और रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट करो। अब ध्यान सुनना,
इनमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे इस आकृति में, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह पिक्चर जो दी गई है वह क्षरण दर्शा रही है। नंबर एक, पॉइंट नंबर एक, यह पिक्चर, यह आकृति क्षरण को दिखा रही है। नंबर दो, इसमें सबसे पहले क्रियाशील धातुओं पर रस्ट लगता है, जंग लगता है ऑक्सीजन से संपर्क में आने के बाद में, और यह जो जंग लगता है एक प्रकार का विद्युतीय अभिक्रिया होती है। आगे आप देखेंगे ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, ये नीचे का भाग, इसके दो ध्रुव, एक तो ऋणाग्र का काम करता है और एक धनाग्र का काम करने लगता है। जैसे ही ऋणाग्र धनाग्र का काम करता है तो आयरन जो है Fe2 ये एनोड का काम करता है। अब इस फेरस से ऑक्सीजन आसानी से क्रिया करके इस पर एक लेयर जमाता है, कैथोड बना लेता है, ठीक है। अब कैथोड बना करके यहाँ पर एक हल्के भूरे रंग का रेडिश, लाल कत्थई रंग की परत जम जाती है जो कि हम जंग कहते हैं। और यह है जंग जो है किसका होता है, फेरिक आयन का होता है, याद रखना यह फेरस है, फेरिक Fe+3 फेरिक आयन की परत जम जाती है, इसको रस्ट कहते हैं। इस रस्ट के कारण, इस जंग के कारण, अब जंग क्यों लगता है बताया गया है, यहाँ पर नमी हो सकती है, पानी बूंद दिखाया गया, नमी हो सकती है, हवा हो सकता है, एसिड हो सकता है, इन सब के जरिए लगातार इसमें जंग लगता रहता है और यह जंग इस पर इकट्ठा होकर के अंत में यह क्षरण का रूप ले लेता है, ठीक है। इसको और अच्छे ढंग से पढ़ लेना, हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर आ जाएंगे छः में ध्यान देखना, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं उसका प्रकार बताना है। नंबर एक देखिए, Fe+S=FeL। अब यहाँ पर देखिए दो अभिकारी पदार्थ हैं, एक उत्पाद है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थों के संयोग से एक उत्पाद बनता है उसे हम संयोग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रकार का ये संयोग अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये बताना है किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, फेरस के साथ सल्फर मिल करके FeS मिलाता है। अगला है Ag2O+4AgO2। इसमें क्या है, जो सिल्वर है इसमें ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का त्याग करता है। ऑक्सीजन त्याग करने क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है। प्रश्न नंबर 6, 2Mg+O2=2MgO। अब सीधी बात है, पहली बात तो यहाँ पर संयोग अभिक्रिया है, लेकिन संयोग हमें नहीं बताना है, हमें बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ Mg में ऑक्सीजन जुट रही है, ऑक्सीजन का यहाँ पर Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है लास्ट, NiO+H2=NiO+H2O। अभी ध्यान देना, यहाँ पर ये तो रेडॉक्स है, क्योंकि NiO का ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए रिडक्शन है, और H में ऑक्सीजन जुट रहा है, यह क्या है, ऑक्सीकरण है, यह निकल रहा है, यह अपचयन है, यह अवकरण है, यहाँ जुट रहा है, यह ऑक्सीकरण है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिय हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, इन्हें संतुलित करना है। संतुलित करने की विधि अब यहाँ तो हम बता नहीं सकते हैं, बुक पर बताएंगे। ये बताइए ऊष्माग्राही है कि ऊष्मा शोषी है, आपको बताना है ये अभिक्रिया ऊष्माग्राही है कि ऊष्मा शोषी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए यहाँ पर, अभी पहला देखिए क्वेश्चन एकदम साफ साफ दिख रहा है। पहले ऊष्माग्राही किसे कहते हैं, ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है ऊष्माग्राही है, और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा उन्मोची है। तो पहला आप ध्यान देखेंगे यहाँ पर HCl+NOH ये अभिक्रिया कर रहा है, क्या बन रहा है, NaCl H2O+ ऊष्मा, माने ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही थी ऊष्मा उन्मोची हो गई, बराबर है। ये अभिक्रिया जो है ऊष्मा उन्मोची के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, 2KCl O3
अब यहाँ देखो हीट यहाँ दिखाया गया है, जब हीट देखिए जब आपको एरो पर हीट दिखाया जाए या यहाँ प्लस करके दिखाया जाए उष्माग्राही होता थी, उष्माग्राही अभिक्रिया हो गई, ये उष्मोन्मोची हो गई और ये उष्माग्राही हो गई, देखो उष्मा यहाँ दिखाई गई है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 आपके हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम आएंगे, इसमें आपको जोड़ियाँ मिलानी है, ठीक है ना, जोड़ियाँ मिलानी है, तीन यहाँ पर कॉलम है, आप बताना है। देखो ये अभिकारी पदार्थ है, नंबर एक देखिए ये अभिकारी पदार्थ है, ये उत्पाद बनता है, ये रासायनिक अभिक्रिया का BaCl2+ZnSO4। अब कहाँ है यहाँ पर मिलाकर देख लीजिए ना, Ba और ये ZN, ये देखिए ये उत्पाद बनेगा, और चूंकि यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई है यह युग्म विस्थापन होगा, ठीक है। नेक्स्ट AgCl, अब AgCl जरा यहाँ देखिए AgCl2 अलग, तो ये क्या है, विच्छेदन है, विच्छेदन मतलब कहाँ, अपघटन, ये देखिए। अगला प्रश्न नंबर 3 CSO4+Fe, अब CSO4+Fe कहाँ है, ये है, यहाँ पर देखिए Cu की जगह Fe ले लेता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को विस्थापन कर दिया जाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई ये वाली। अगला लास्ट H2O+CO2, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपस में मिला जाता है, ये बनता क्या है, कार्बोक्सिल एसिड H2CO3। तो इसमें क्या हो जाता है, संयोग अभिक्रिया हो गई, ये भी संयोग अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर ये 9 हो गया, तो इस प्रकार से ये लेसन आपका तैयार हो गया। अब इसको पढ़ करके आप देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, फिर कंफर्म करेंगे, ओके।